Hi, any lovely divas. Welcome back to yet another stylish Diwali outfit ideas video. So I'm going to share some last minute outfit tips and ideas and fashion tips so that you can style yourself on Diwali in case if you don't have anything new to wear. You can just अपने क्लोजेट में पड़े हुए कुछ कपड़ों को ही पुल आउट करके उनको बहुत नए तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. इफ यू आर समवन हु हैजंट गॉट एनीथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ दिस दिवाली, सो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर. अपने वार्डरोब के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी पीस को ही फिर से रीस्टाइल कर सकते हैं इन ऑल टुगेदर अ न्यू वे. सो डोंट वरी एट ऑल, कोई जरूरी नहीं है कि आप न्यू क्लोथ्स बाय आउट करें. बट या आई एम गोइंग टू कवर दिस ऑल इन दिस last minute Diwali outfit ideas video. Do make sure to watch this video till the end. कुर्तीज और different different outfits आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो मैंने पहले style किए हुए हैं. Okay, और कुछ मैं अपने पुराने collection में से भी कुछ आपको outfit ideas share करने वाली हूँ. Existing wardrobe में से ही आपको एक piece pull out करके इस Diwali पे खुद को style कर सकते हैं. You can get that absolute glam and stylish outfit. Alright, so let's get into the video without much of further talking. Got three styling tips and hacks भी मैं share करने वाली हूँ. So yeah, it's going to be fun, interesting video. So first up is this pretty orangey chunar print का kurti. आप देख सकते हैं कितना अच्छा work हो रखा है इस पे. Golden and pink color के गोटा पट्टी का work हो रखा है. Sequins लगी हुई है इस पे. और ये प्लाजो पैंट्स के साथ ये सूट आता है. लाइक ये पूरा प्रॉपर सूट सेट है एंड इट कम्स विद अ प्लाजो पैंट. एंड ये किसी भी छोटे मोटे ओकेजन, इनफैक्ट वेडिंग सीजन में भी आप इस आउटफिट को यूटिलाइज कर सकते हो. किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे पहन सकते हो. तो आप देख सकते हो ये बहुत ही प्रिटी सा ए लाइन कुर्ती है. इसमें कोई स्लिट कट नहीं है. इट्स प्रॉपर ए लाइन कुर्ती विद प्लाजो. एज अ ग्लैम लुक आप इसको बड़े डैंगलर्स और इयर रिंग्स के साथ पेयर अप कर सकते हो एंड कैन पेयर इट अप विद अ कोल्हापुरी चप्पल एंड इट्स गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली शीक एंड क्लासिक. जब लुक्स तो हैं ही, साथ ही साथ आप इनको वेडिंग सीजन में भी लाइक किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे यूटिलाइज कर सकते हो इन स्टाइलिंग टिप्स को. नेक्स्ट अप इज दिस पर्पल लैवेंडर कलर का फ्रॉक कुर्ती एंड इट कम्स विद अ धोती पैंट एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. इट्स सिंपल येट इट हैज़ अ वेरी वाइब्रेंट फील. लाइक मैंने इस कुर्ती और धोती पैंट को स्टाइल किया था अपने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में एंड एवरी वन वॉज लाइक यू नो आई काइंड ऑफ गॉट लॉट ऑफ डीएम्स इन रिगार्ड्स टू दिस स्पेसिफिक कुर्ती. देख सकते हो राउंड नेक है इसका एंड रफल्ड स्लीव्स हैं एंड ये पूरा फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है. प्रॉपर ये राजस्थानी वाला लुक आता है. राजस्थानी कुर्ती स्टाइल में है ये एंड धोती पैंट्स के साथ ये बहुत ही स्टनिंग लगता है. सो आई विल बी शेयरिंग हियर सम ऑफ द क्लिप्स पिक्चर्स दैट यू ऑल कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया हाउ ब्यूटिफुल दिस कुर्ती सेट लुक्स. देयर आर टन्स ऑफ डीएम्स यू नो आस्किंग मी कि ये कुर्ती कहाँ से लिया, कौन से ब्रांड का है. सो एवरी वन काइंड ऑफ लाइक्ड इट अ लॉट बिकॉज दिस कुर्ती सेट इज क्वाइट डिफरेंट एंड डेफिनेटली कैन बी एन ऑप्शन ड्यूरिंग दिवाली सीजन. With a choker set or paired with black metal or oxidized jewelry, it looks absolutely stunning. Add lot of bangles to the look and a kolhapuri chappal will be all started. Next up is this royal blue color ka kurti. This is also a kurti set and this is from a brand called Indo Era. I've got all these kurtis from Myntra because Myntra is absolutely love for me. कपड़ों की क्वालिटी की सेटिस्फैक्शन जो मुझे Myntra से मिलती है मुझे और किसी वेबसाइट से नहीं मिलती है. व्हेन आई शॉप फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट सकते ये बहुत ही सो दिस इज नथिंग फैंसी. ये बहुत ही सिंपल सा प्लाजो कुर्ती सेट है विद अ दुपट्टा. इसमें रेड कलर का दुपट्टा भी आया हुआ है साथ में. सो इट्स एन एंटायर सूट सेट एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल भी था. विद इन लाइक 1000 bucks में ये पूरा सूट सेट मुझे मिल गया ऑनलाइन Myntra पे. एंड ये लाइक नॉर्मल जो जैसे कुर्ती होती है वैसे इस पर गोल्डन वर्क किया हुआ आप देख सकते हो काफ़ी. एंड इट हैज़ गॉट अ की होल नेक. ओके एंड यस दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हैज़ गॉट अ स्लिट. इट कैन डेफिनेटली बी अ गुड ऑप्शन फॉर स्टाइलिंग योरसेल्फ ऑन दिवाली बाय वेयरिंग सच काइंड ऑफ
प्लाजो कुर्ती सेट विद दुपट्टा. सो नेक्स्ट अप इज अ वन पीस इन द वेस्टर्न आउटफिट. लाइक इट्स अ वन पीस ड्रेस. इट्स एन एथनिक वेयर. इट्स एन इंडो वेस्टर्न एथनिक वेयर दैट गिव्स दैट यू नो फेस्टिव वाला वाइब. ऑल्दो इसके नीचे कोई पजामी शलवार या कुछ ऐसा नहीं है पेयर अप करने के लिए. एंड अब विदाउट ही किसी पजामे या शलवार के उसको पहनो तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है बिकॉज इट हैज़ गॉट अ रफल डिटेलिंग. जो इसका फ्लो आता है ड्रेस का इन द लोअर पोर्शन इट हैज़ गॉट दिस रफल डिटेलिंग. एंड आप देख सकते हो लाइक ये देखो. आई नो दिस आउटफिट इज लिटिल बिट क्रश्ड क्योंकि मेरे पास ऑफ कोर्स टाइम नहीं था कि मैं आयरन करूँगी सारे आउटफिट्स बिकॉज ये लास्ट मिनट वीडियो में बना रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था. बट आप देख सकते हो it has got button detailing going on here and some it's a long dress actually like ankle length dress and yahan pe bahut sara pleats pade hue hain pleated outfit and it has even got pockets that's the best part and ye grey color outfit hai with golden booties on it. ये बहुत ही अमेजिंग लगता है. बहुत ही क्लासी आउटफिट है. सच अ क्लासी आउटफिट व्हेन पेयर्ड विद अ लॉट ऑफ यू नो एथनिक और गोल्डन ज्वेलरी और फॉर दैट मैटर ऑक्सीडाइज ब्लैक मेटल ज्वेलरी इट लुक्स स्टनिंग एज आई स्टाइल दिस आउटफिट ऑन राखी. एंड मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे दैट यू लुकिंग स्टनिंग एंड अमेजिंग. ये बहुत ही सिंपल सा लाइक कलर भी इसका ग्रे कलर इट्स लाइक वेरी सटल सा कलर. इट्स नॉट दैट ऑन द फेस कलर बट इट लुक्स एब्सोल्युटली एलिगेंट एंड क्लासी व्हेन स्टाइल्ड प्रॉपरली विद द परफेक्ट सेट ऑफ ज्वेलरी एंड सम गोल्डन चप्पल्स. Yeah, it looks absolutely gorgeous. So, Kolhapuri chappals, of course, anytime kisi bhi kurti ke look ko enhance kar deta hai. So, I prefer styling all my kurtis with Kolhapuri chappals and either Kolhapuri chappals or golden heels. So, yeah, golden or silver heels, of course. Abhi tak, I hope aap logon ko acha lag raha ho ye styling ideas and ab jo video aap dekh hi rahe ho. And if you're liking the outfit ideas or tips. That I'm discussing here on this video, so please make sure to subscribe my channel, like and share it with your friends so that I can grow. As I'm new to this platform, I definitely need all of your support. अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लग रहा हो अब तक ये वीडियो तो प्लीज़ 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 टू सब्सक्राइब. प्लीज़ टेक आउट अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. फ्री है, पैसे नहीं लगेंगे. मेक श्योर टू प्रेस द बेल बटन एज वेल सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को अपडेट मिल जाए बिकॉज यूट्यूब अपडेट नहीं सेंड करता. सो जस्ट मेक श्योर टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. Okay, I know I'm not that regular, but I try and make sure to post at least 2 videos in a week because YouTube ke saath saath I have my regular job as well jo mujhe karna padta hai. Uske baad pe video shoot karke edit karke and post karna. I hope you'll understand it's not that easy. I'm trying my level best ki still main week mein 2 se 3 videos post karu. 2 maximum ho pata hai. एंड एट टाइम्स शायद वो भी नहीं हो पाता है बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट 2 वीडियो तो मैं पोस्ट करूँ ही करूँ. आई गेस आपको बेल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी. मेरी मम्मा पूजा कर रही हैं सो प्लीज़ जस्ट डोंट माइंड द बैकग्राउंड. जो भी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है. मी एंड माई फैमिली वी आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर बिकॉज़ आई रिसेंटली लॉस्ट माई चाचू एंड माई नानी इन जस्ट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो या दिस ईयर हैज बीन टफ फॉर अस रियली टफ फॉर अस एंड हैज बीन रियली चैलेंजिंग फ्रॉम द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक क्या तो मैं बहुत लाइट सा ही कुछ वेयर करना चाहती हूँ हल्का फुल्का. नॉट दैट यू नो ग्लैम ग्लैम वाला लुक. छोटी मोटी चीज़ें प्लान कर रखी हैं दैट वी विल गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ गेम्स एंड ऑल दैट ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हमारा कल हो जाए एंड हम सब उदास ना हो. ओके सो या दैट वाज द लास्ट आउटफिट. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप एंड अगर नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो. बट प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको क्या अच्छा नहीं लगा. एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी शेयर करो. लेट मी नो आपको कौन सा आउटफिट आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया सो दैट आई कैन कम अप विद मोर ऑफ सच स्टाइलिश फैशन वीडियोज. एंड या आई एम गोइंग टू यू नो कम अप विद न्यू सीरीज हैशटैग लीन्स का फैशन डोज.
So yeah, I'll be coming up with more fashion and styling videos in the coming times. So please do support my channel. Do like, share and subscribe it. I'm saying it again and again. I'm requesting it because it means a lot for me if you all would subscribe my channel, because without your support it's really not possible to grow. And I'm like struggling hard, itna hard work karne ke baad, itne videos dalne ke baad bhi, it's like, you know, the subscriber count is not going up at all. But still, I am not hopeless as of yet, and I still believe in putting in all my hard work, and I will continue posting videos till the time aap log mujhe subscribe karna shuru kar do. Let me know what all videos would you all want me to make and what next you would like to see. So see you all in the next video. Bye bye.